हरियाणा में पिछले दिनों हरियाणा आधिकारिक भाषा में संशोधन किया गया और हरियाणा आधिकारिक भाषा संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार अगले कुछ महीनों में प्रदेश की सभी अदालतों में और जो भी ट्रिब्यूनल या क्वासी जुडिशियल फॉर्म है उसमें काम करने की आधिकारिक भाषा हिंदी हो जाएगी। इसी बात को चैलेंज करते हुए कुछ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि ये गलत है और उसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन में ये कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे और आप अप्रोप्रिएट फॉर्म में जा करके इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट्स जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आए और वहां पर उसे चैलेंज किया। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अभी आपकी जो पिटीशन है वो प्रीमेच्योर है क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोर्टों और ट्रिब्यूनल्स और जुडिशियल फॉर्म्स वगैरह के लिए कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया है। इसमें हालांकि जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि वो केवल हिंदी भाषा के जो कोर्टों में कामकाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका इश्यू ये है कि ये एक तो असंवैधानिक है, दूसरा इससे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको कानूनी मामलों में हिंदी में बहस करने में इश्यू होगा, तीसरा उनका ये भी कहना था कि कानून की जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी में होती है और हिंदी में जो कानूनी भाषा है काफ़ी डिफिकल्ट होती है, ये उनके इशू थे। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें यही कहा है कि ये पिटीशन प्रीमेच्योर है और जब तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के द्वारा कार्यालयों कोर्टों में भाषा से संबंधित नहीं आ जाता तब तक आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते।